तो यार आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। वापस अब देखो यार ये वाली वीडियो में प्लेन पाते कि ऐसे एंगल से गुजर रहा था जहाँ पे पोचिंग की जो है सबसे बेस्ट ऑर्डर था। तो ये सोच के मैं अकेला आ गया यहाँ पे कि बंदे कम आएंगे, लेकिन भाई आधे से ज़्यादा सर्वर उतर जाता है पोचिंग की। अब इस चीज़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब मैं पोचिंग की सर्वाइव करके निकला तो मेरे अकेले के 16 किल थे यहाँ पे, वो भी पोचिंग की के अंदर ही। और ये मेरे अकेले के किल थे, अगर आप सब बंदों के किल जो कि उन्होंने आपस में भी लड़के एक दूसरे को मारा होगा मिला दे तो भाई बहुत ही ज़्यादा बनता है। फिलहाल यहाँ पे उतरते फाइट स्टार्ट हो गई और मैंने सोचा पीछे आगे किसी भी घर में घुस जाता हूँ, लेकिन हर घर में एक टीम घुसी हुई थी और मैं यहाँ पे अभी कुछ कर भी नहीं सकता था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया भाई ये वाले घर में घुसूंगा और इसने जिसको नॉक किया है उसको फिनिश करूंगा। फिनिश करते मैंने भी डैमेज खाया लेकिन मेरे को किल मिल गया, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इतने में आता एक बंदा, इसका भी बंदा मरा हुआ था तो इसको भी मार दिया। अब ऊपर वाले बंदे की बारी थी लेकिन मेरे पे हील नहीं थी यहाँ पे। अब देखो यार ऊपर वाले बंदे वो मेरे से बदला लेने जरूर आएंगे, मेरा नाम पड़ गया इसलिए मैं वहाँ से कूदा और सबसे पहले ये वाली बिल्डिंग में आ गया। उनके पास सब कुछ था भाई, ए टू जेड सब कुछ, गन बंदूक एमओ हीलिंग सब कुछ थी। और वो बंदे जो है मेरा फ़ायदा उठा के मेरे पे रश कर देते, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर रेडी था और इसको सबसे पहले भर देता हूँ मैं। खैर यहाँ पे इस बंदे को तो मार दिया, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, अगर आप नॉक हो जाते हो एनिमी के घर में तो भाई एक प्रॉपर कॉल दिया करो, अपने टीममेट को अच्छे से गाइड करो कि भाई बंदा कहाँ पे है ताकि वो मार पाए। इस बंदे को इसने कुछ भी कॉल नहीं दी और वो सीधा घुसते चला और एट द एंड मैंने उसको मार दिया। अब एक टीम थी जो कि छतों से मेरे को मारने आते हैं, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये बंदे जो है दूसरी छत पे चढ़ के जो है तीसरी बिल्डिंग पे आना चाहते थे और वहाँ से वो मेरे पे एंगल बना सकते थे, दैट्स व्हाई मैं पीछे कूदा और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ब्रेक ले लिया। और अब बारी है इनको मारने की। ये तो बोट जिसको मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन जैसे मैंने इसको फिनिश किया वो दो जो बंदे होते हैं वो हो जाते हैं सतर्क और आ जाते हैं ये वाले घर में मेरे पर रश करने। लेकिन एक चीज़ मेरे को पता थी कि जैसे वो आएंगे मैं डैमेज दे दूंगा और डैमेज दिया भी, लेकिन एमओ खत्म हो गई मेरी उसी की। और अब बारी है एक किम की। यहाँ पे मैंने एक कोशिश तो करी उस बंदे को मारने की लेकिन एंगल अच्छे से नहीं बन पाया, तो मैं आ जाता हूँ ये वाले घर में और ये वाला एंगल जो मैंने बनाया जस्ट देखो आप, इसको तो कर दिया नॉक। अब बारी थी फिनिश करने की और एक चीज़ मेरे को पता थी कि इस जगह से एक प्रॉपर एंगल मिलता है जहाँ से मैं एक किम की नॉक निकाल कर उसको मार सकता हूँ। अब होता है एक गंदा सा अटैक जो कि भाई मिनी 14 से किया था दूसरे बंदे ने, जो कि एकदम एंड वाले घरों से किया था और ये चीज़ मैं समझ गया था, इसलिए मैंने जो है थोड़ी सा ओजी में एमओ भरी। और अब बारी उनको मारने की, अब मैं जाता हूँ उन लोगों को मारने, लेकिन सबसे बुरी आपके साथ क्या चीज़ हो सकती है आप गेस करो। यहाँ पर मैं जाता हूँ उनको मारने के लिए, वो धीरे धीरे क्लोज आते मेरे। यहाँ पे फाइनली मेरे को उनके कुछ फुटस्टेप आते हैं जो कि सामने वाले घर से, और इतने में बंदा क्रॉस करता है और ये चीज़ होती है मेरे साथ जस्ट देखो आप, मतलब जैसे मैं नेट कुक करता हूँ भाई इंटरनेट चला गया मेरा। अब एक चीज़ आप सोचो भाई, अगर आपने नेट कुक किया और इंटरनेट चला गया बट नेट की जो पिन है वो तो चलती रही और नेट आपके हाथ में फूट जाएगा। बट लकीली यहाँ पे मेरे को एक जीवनदान मिला क्योंकि नेट खींचने से जस्ट एक सेकंड पहले मेरा इंटरनेट गया, अगर नेट खींचने के बाद जाता तो भाई वो नेट मेरे हाथ में फूट जाता और अभी तक जो है मैं लॉबी में बैठा होता। फिलहाल यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, उस बंदे को मैंने देख लिया था क्रॉस करते हुए इस तरफ आया होगा और यहाँ पे मुझे कुछ फर्स्ट स्टेप आते हैं। अब जैसे मैंने नेट खींचा तो मैं ट्राई करता हूँ आखिरी वाले बंदे को मारने का, क्योंकि वो जो है शायद टीपी भी ले रहा था वहाँ पे जो कि नॉक हो गया। अब दूसरा बंदा उसको बचाने भी वहीं जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ी सी समझदार होते हैं वो वहाँ से निकल के दूसरी जगह पे आ जाते हैं। अब देखो यार टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने सीधा कूदा और जस्ट रश कर दिया उसी पकड़ के। और ये चीज़ मैंने पहले कंफर्म कर ली थी कि ये आखिरी वाले कमरे में नहीं है, जस्ट बाहर वाले ही होंगे और इजीली मार दिए इनको ऊपर जाके। इतने में जो है कुछ और फुटस्टेप आते मेरे को, लेकिन वो मुझे बॉट के लग रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि पहले आराम से हील करते हैं बाद में किल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं कूदा जस्ट देखो आप, खैर यहाँ पे इस चुलबुल बोट को मार दिया, लेकिन सामने जो है तीन बंदे थे जो कि आपस में फाइट कर रहे थे बहुत देर से और उनकी छोटी मोटी झड़प हो रही थी वहाँ पे। मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहता था इसलिए आ जाता हूँ ये वाले बंदे पे। यहाँ पे उसको डैमेज देने की तो कोशिश करता हूँ लेकिन डीसिंग के कारण खुद ही डैमेज खा के बैठ जाता हूँ। और इतनी देर में एक बोट आता है जिसको कि मैंने मार दिया। अब एक बंदा क्रॉस करते हुए देखा, ये उसी टीम का बंदा था जिस टीम को मैं मारने आया था। अब एक चीज़ अच्छी हुई, इसको तो मार दिया लेकिन सामने एक और बंदा क्रॉस किया। अब ये बंदा जो है बचने नहीं वाला क्योंकि ये दोनों चुपके चुपके क्रॉस कर रहे थे। यहाँ पे मैंने उस बंदे को पूरा का पूरा फिनिश करने की ट्राई करी लेकिन उसको इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया कि वो अपने आप ही जो है फिनिश हो जाता है। अब बारी थी उसके टीममेट की, बट एक चीज़ थी यहाँ पे कि मेरे उजी में कोई भी एमो नहीं बची थी और ना ही मेरे को पता था कि उसका बंदा किधर है, लेकिन उसने मेरे को फायर किया था और इतने में मेरे को वो दिखता भी है। अब यहाँ पे जो उसके एक हेड मारता हूँ मैं और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम सीधा उस पर रश भी कर देता हूँ।
पहली बार में मैं थोड़ा सा चूक गया था, लेकिन दूसरी बार में मैंने उसको पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है हील करता हूँ और आसपास देखता हूँ भाई यहाँ पे पहले कोई है तो नहीं, क्योंकि ऐसा कई बार होता है पूछिंग की मैं घरों घरों के अंदर छुपे रहते हैं और जैसे आप फाइट लेने बाहर आते हो या फाइट करते हो किसी से तो भाई वो आपको फिनिश कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं था, वापस आता हूँ इस जगह पर क्योंकि यहाँ पर अगेन फाइट हो रही थी और यहाँ पर अगेन दो फुटस्टेप आते, मतलब एक और टीम यहाँ पर थी अभी भी, और ये टीमें आ कहाँ से रही थी कुछ पता नहीं चल रहा था, बट एक चीज़ थी कि ये थी तो पूछिंग की में ही। अब मैं पहले कंफर्म करता हूँ इस घर में तो नहीं है कोई, और इस घर में तो कोई नहीं रहता। अब यहाँ पे मेरे को वो पहली बार दिखता है बंदा जो कि इस घर में जा चुका है, जिसको मैंने डैमेज दिया था, थोड़ा सा हेड दिए थे मैंने उसको, वो हील जरूर करेगा और जिस घर में वो घुसा है वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा जो है बेटर एंगल मिलेंगे मेरे को, बट इतने भी नहीं मिलेंगे। अब दूसरा भी बंदा आता है इतने घर में जिसको मैंने डैमेज देने की ट्राई करी, लेकिन वो भी ऊपर आ जाता है और ये चीज़ मेरे को पता थी कि भाई ये छत पर जरूर आएगा, दैट्स व्हाई मैं रेडी था। जैसे वो आया भाई भर दिया मैंने उसको। अब वो जो है दूसरा बंदा दुविधा में था क्योंकि उसको इसको रिवाइव करना था, और जैसे वो खड़ा होगा उसको रिवाइव करने के लिए पीछे जाएगा, मैं उसको मार दूंगा। लेकिन वो बंदा थोड़ा शाना निकला, पिन खींचा मेरे को मारने के लिए, लेकिन मैं भी वहाँ से नीचे आ जाता हूँ और यहाँ से थोड़ा जो वेट करता हूँ। यहाँ पे उसका पहला बंदा जो थोड़ा सा माइंड गेम खेल रहा था मेरे साथ, वो जो अपने बंदे को रिवाइव करने की बजाय जो है टीवी ले रहा था ताकि मैं उस पर जो है जल्दी में रश कर दूँ, बट मैं ऐसा नहीं करता, थोड़ा सा वेट करता हूँ उसके बाद उसको डराने की ट्राई करता हूँ, और फाइनली वो समझ जाता है कि ये रश नहीं करने वाला तो वो रिवाइव देता है। बट इस बार मैं उसको बता देता हूँ कि भाई कुछ भी हो सकता है, मैं रश भी कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई जो रिवाइव मत दे, पहले मेरे को मार। और इस बार वो हील करता है क्योंकि मैंने उसको डैमेज कर दिया था, और जैसे उसने हील किया भाई भर के रख दिया ये वाले बंदे को। और जैसे कि मैंने कहा 16 किल तो मेरे थे, अब 15 तो हो गए, लेकिन एक दिखता है यहाँ पे बॉट, और ये जस्ट आप बोनस ही समझ लो। और यार ये वाले बोट के साथ होती है भोजिंगी में सारी की सारी टीमें खत्म। यहाँ पे इतनी सारी टीमें थी कि भाई किसी भी घर में जाओ वहाँ पे आपको जो है एक ना एक क्रेट तो जरूर मिलेगी, किसी के घर में तीन तीन चार चार क्रेट भी पड़ी हुई थी। फिलहाल इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हो 1xBet, जहाँ पे जो है आप जैसे साइनअप करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जिसको आप ट्राई कर सकते हो गेम खेलने के दौरान, और अगर आप उस गेम के दौरान जीतते हो कुछ भी तो उसको आप पेपल पेटीएम या UPI पे विड्रॉ भी कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा 1xBet का, ट्राई करना। अब यहाँ पे आता हूँ मैं ड्रॉप लूटने, तो एक गाड़ी दिखती है मेरे को पहाड़ पे। अब क्योंकि सामने से नहीं ले जा सकता था, सामने से वो मेरे को मार देते क्योंकि उनके पास अपर एडवांटेज था, इसलिए मैं पीछे से आता हूँ और काफ़ी दूर चला गया था मैं, और उसके बाद आता हूँ उनके बिल्कुल पीछे से। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिख जाता है, बट ऐसा लग रहा था कि उस बंदे को पता है कि मैं यहाँ पे TPP ले रहा हूँ उस बंदे को मारने के लिए, बट फिर भी मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, और इसके बाद जो है वो बंदा किसी और के साथ बिजी हो जाता है, और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेता हूँ उन दोनों बंदों का। उस बंदे को नॉक करते ही सबसे पहले मैंने एक चीज़ कैलकुलेट करी कि वो जो है जहाँ पे मैंने उसको नॉक किया लगभग लगभग 150 मीटर दूर है या 200 मीटर के करीबन, बट यहाँ से जो इतनी दूर से नेट नहीं जाएंगे, तो मैं हाथ में पहले नेट कुक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता थी वहाँ पे जाते जाते जो है वो रिवाइव हो जाएगा। बट यहाँ पे जो काफ़ी दूर से मैंने नेट कुक कर लिया और वो काफ़ी दूर है अभी, तो मैं थोड़ा सा और क्लोज जाता हूँ क्योंकि आगे थोड़ा सा जो है पहले मेरे को सेफ रहना था, उसके बाद नेट फेंकूंगा। और यहाँ पे जैसे कवर आता तो मैं एक नेट फेंकता हूँ ताकि जो उनके क्लोज जब नेट फटेगा आसपास तो वो थोड़ी देर के लिए मेरे फुटस्टेप सुन नहीं पाएंगे, और ऐसा होता भी है। यहाँ पे वो दोनों बंदे जो रिवाइव करके हील भी कर लेते और निकलने की तैयारी में थे, लेकिन फाइनली एक बंदा घबरा के जो है गाड़ी छोड़ देता अपनी, और फाइनली अब वो मेरे से फाइट करेंगे। अब एक चीज़ पता थी कि उन दोनों को पता है मेरी लोकेशन कहाँ है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा उनको जो है पोक करने की ट्राई करता हूँ, और एक बंदे को तो मैं यहाँ पे अपनी चपेट में ले लेता हूँ। एट द एंड इस बंदे को नॉक किया, और अब बारी इसके टीममेट की, लेकिन उससे पहले जो इसको मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ ताकि दूसरे टीममेट पे मन में कोई प्रेशर ना रहे, और आखिर में उस टीममेट को भी ख़त्म कर देता हूँ। ये दो बंदे आए थे ड्रॉप लूटने जो कि इन्होंने मेरा ड्रॉप लूट लिया था, और इसी का पीछा करते करते आता हूँ बहुत दूर यहाँ पे मैं, और फाइनली इन दोनों को मार दिया। अब यहाँ पे एक फ्लेयर भी चली थी जिसका पीछा करते करते यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, और मेरे को अगेन ब्रिज पे दिखती है एक गाड़ी। अब याद रखना जो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ, एक गाड़ी दिखती है जो कि क्रॉस कर रही थी, लेकिन उसके बाद वहाँ से एक बगी आती है जो कि मेरी तरफ आ रही थी। अब गाड़ी वाले तो चले गए लेकिन बगी वाले आते हैं, और मैं सोचता हूँ कि भाई बगी वालों को तो मैं गिरा सकता हूँ, तो ट्राई करता हूँ यहाँ पे गिराने का, लेकिन ये भी गाड़ी थी। यहाँ पे जो बंदा झूल रहा था भाई उस बंदे को जितना गंदा डैमेज दिया मैंने, मतलब क्या ही कहूँ मैं। बट यहाँ पे एक गाड़ी भी गई थी जिसको कि मैंने देखा था जाते हुए, और वो जो है इन्हीं पे फायर कर रहे थे तो वो भी रुक जाते, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा उनको भी डैमेज देता हूँ, और वो मुझे लगता है सिर्फ एक ही बंदा इसलिए मैं डैमेज भी देता हूँ उसको काफ़ी सारा। लेकिन यहाँ पे भाई स्कारल डांसिंग गन है तो भाई बच जाता है वो बंदा, लेकिन इस बार
बंदे की एक्यूरेसी देखो भाई, बहुत खतरनाक डैमेज दिया उसने मेरी गाड़ी पे। अब यार यहाँ पे तो मैं जैसे तैसे करके बच गया, लेकिन पहले मैंने सोच लिया था ड्रॉप वालों को मारूंगा, अगर उनको मार दे तो भाई ड्रॉप की अच्छी लूट मिल जाएगी ताकि पीछे वालों को भी इजीली मार सकूं। दैट्स व्हाई आता हूँ मैं ड्रॉप पे। अब ड्रॉप पे कोई गाड़ी नहीं थी ना ही ड्रॉप लूटेड था। मैं थोड़ा सा और क्लोज से देखता हूँ ड्रॉप को, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिखता है कि भाई वो अनलूटेड है। तो भाई सबसे पहले लूट लेते हैं, एमके की उम्मीद कर रहा था लेकिन भाई वन ऑफ द घटिया गन जो मेरे को लगती है वो आई ड्रॉप में। और ये कुछ भाई साहब दिखते हैं जो कि ड्रॉप पे जस्ट कैंपिंग करने के लिए आए थे। अब मैंने इनको देख लिया था, जा भी नहीं सकता था यहाँ से, इसलिए मैं वापस घूम के आता हूँ और इस पत्थर पे अपनी गाड़ी रोकता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा जो नेट भी फेंक के ट्राई करूँ उनको मारने का। और वो ऑलरेडी फेंक चुके थे मेरे पे काफ़ी सारे नेट। अब मैं जैसे यहाँ से जो है सोचता हूँ कि नेट कुक करके मारूंगा, इतने में वो बंदा जो है मेरे पे रश कर जाता है और उसको जब पता लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया है तो भाई वहीं पर लेट जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा घाटा मेरे लिए ये चीज़ था कि आगे एक हल्की सी रिज थी और रिज पे काफ़ी अच्छी खासी घास, जिस घास में अगर बंदा लेट जाए तो भाई मतलब देख नहीं पाओगे आप उसको। लेकिन फिर भी यार रिस्क तो लेना ही था, वो बंदा जो उसको रिवाइव करते थे उसका टीममेट, तो यहाँ पे जो है रिस्क तो लेना ही था। दैट्स वाई जो मैं लेट लेट के आगे जाता हूँ ताकि मेरे को कहीं भी दिखे तो भाई अंधी गोली चला दूँ मैं। और इसके लिए मैं एक थोड़ा सा जो है मेंटली खेलता हूँ, यहाँ पे स्मोक फेंक देता हूँ ताकि उनको लगे नेट है और वो उठ के भागे, लेकिन ये चीज़ उल्टी काम कर जाती है। मेरे पे नेट तो था नहीं, स्मोक कर देता हूँ बहुत सारे, उनके लिए अच्छे खासे कवर बन जाते हैं। अब कवर बन गए तो यहाँ पे आती है एक और टीम। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट देखो, जो मैंने नॉक कर रखा था उसको दूसरी टीम आके फिनिश भी कर जाती है, उसके टीममेट को भी मार देती है। और बारी थी जब इनको मारने की तो भाई ये टीम जो है उछलने लग जाती है। खैर ये टीम अब वाले थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके चक्कर में मेरा पूरा का ध्यान जो है गेम से हट गया। और यहाँ पे जैसे मेरे को एक बंदा दिखा, अब जैसे देखो आप, मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था, बंदा दिखा जो कि लेट गया, सोचा कि मार दूंगा, लेकिन भाई जब आपका ध्यान एक बार टूट जाता है ना तो हाथ हट जाता है पूरा का पूरा गेम से। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो बताना मेरे को कमेंट में। साथ ही साथ एक चीज़ आप जरूर चेक करना कि जिस बंदे ने भी जो भी नया देख रहे हो या फर्स्ट टाइम देख रहे हो या उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करो ये वाले चैनल को। और मेरे को बताना कि भाई आज किस किस बंदे ने नया सब्सक्राइब किया यानी फर्स्ट सब्सक्राइब किया है, एंड उस लाल बटन को एक बार काला जरूर करना। साथ ही साथ बेल आइकन तो चलो वो छोड़ो, वो तो बचकानी बातें हैं, जस्ट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बेल आइकन तो देख ही लेंगे। एंड इसके साथ वन एक्स बेट भी ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं, वहाँ पे साइन अप कर सकते हो आप मेरे कोड के साथ और एक्स्ट्रा कैश बोनस पा सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड।